दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दी थी चेतावनी, सड़क या हाईवे स्टंट करने की जगह नहीं है। फिर भी एक युवक ने सीएम योगी बाबा की चेतावनी नहीं मानी। यूपी में कानून अपने हाथ लेना पड़ा भारी। यूपी में कानून तोड़कर हाईवे रोड पर बुलेट राजा को स्टंट करना पड़ा भारी। इस खबर को लेकर क्या है पूरा मामला, अंत तक देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दरअसल सड़क स्टंट करने की प्लेस नहीं है। ये चेतावनी उत्तर प्रदेश की मुखिया आदित्यनाथ यूपी की जनता को उसी समय दे दी थी जब जनता से मिले प्रचंड बहुमत। उन्होंने लगातार एक नहीं दो नहीं अपनी सत्ता की सीट भी संभाली है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सीएम योगी बाबा भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सड़कों पर, हाईवे पर या अन्य किसी ओवर ब्रिज पर अक्सर स्टंटबाजी की दुर्घटना सुनने को मिलती रही है। इसीलिए उन्होंने पहले ही स्टंटबाजों को आगरा यानी सुचेत कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद जिला गाजियाबाद में एक युवक ने योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की और फिर उसी का क्या अंजाम हुआ आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों, कैसे एक युवक बुलेट में सवार होकर बोतल में कुछ पीता नजर आ रहा है। आप सब तो जानते ही हैं कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है और इसको लेकर सरकार द्वारा सख्त कानून भी बनाए गए हैं, जिसे तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के दौर में रील के शौकीन लोग सड़क पर अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं और शुरू कर देते हैं खतरनाक स्टंट। इस बार भी यूपी का जिला गाजियाबाद में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, जहां एक रील का शौकीन युवक एक हाथ में बियर पी रहा है और दूसरे हाथ से बुलेट का हैंडल पकड़कर बड़े ही भोकाल रूप के साथ उस एक्सप्रेस रास्ते पर स्टंट कर रहा था जहां बाइक चलाने पर मनाही है और जो वहां चलाते हैं उसके हाथ में 20,000 रुपए का चालान काटकर पकड़ा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद रील के शौकीन युवक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस रास्ते पर स्टंट किया, वो भी एक हाथ में बियर की बोतल लेकर, जिसका अंजाम उसे जल्द ही भुगतना पड़ गया भारी। दरअसल यूपी की पुलिस ने वहां की जनता को पहले ही सूचित कर दिया था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस रास्ते पर कोई बाइक लेकर ना जाए और जो लेकर जाएगा उसका साथ के साथ चालान काट दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद युवक ने यूपी पुलिस के बताए गए नियमों को तार तार कर दिया। पहले तो बाइक को लेकर गया और ऊपर से एक हाथ में बियर की बोतल लेकर चलती बाइक पर पीना शुरू कर दिया। हैरानी की बात ये है कि उसके सर पर हेलमेट तक भी नहीं था। यही खास वजह है कि एक साथ नियम को तोड़ने वाले इस बाइक सवार को जल्द ही इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। जब योगी सरकार की पुलिस ने 31,000 रुपए का चालान काट हाथ में दे दिया और इससे बड़ी बात ये है कि इस कार्य के लिए पुलिस को ज्यादा मुस्कात भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वीडियो में युवक के बुलेट का नंबर प्लेट साफ साफ नजर आ रही थी, जिससे ट्रैफिक पुलिस को पता चला कि यह बुलेट गाजियाबाद के असालतपुर फरेख नगर की है और अभिषेक नाम के साथ रजिस्टर है। इसके बाद यूपी पुलिस ने तुरंत ऑनलाइन चालान काट कर उसके घर भेज दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कार्रवाई यहीं तक सीमित रहेगी तो आपको बता दे कि गाजियाबाद के पुलिस ने भी बताया आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए मेरठ थाने में दे दी गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस आरोपी युवक की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसे स्टंटों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, जो कि देश गली मोहल्ले का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। इस सभी नियमों को तब ही लागू कर दिया गया था जबकि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने थे और सीएम बनते ही उन्होंने यूपी का नक्शा तक बदल कर रख दिया था। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान बुरी तरह से बेहाल है और जैसे चीन के पिछले दिनों में बुरी स्थिति देखने को मिली थी, वैसे ही अब पाकिस्तान के हालत बदतर बनते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के कई इलाकों में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और पाकिस्तान की जनता में बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पे उतरे नजर आ रहे हैं, भूखमरी हो चुकी है और यहाँ तक कि कई जगहों पर गोलीबारी चलने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में अन्य देशों की नजरों में कंगाली का कगार पर खड़े पाकिस्तान की ओर टिकी हुई है। पाकिस्तान की महंगाई सातवें आसमान पर है। आटा, दाल जैसी बेसिक चीजें भी खरीदना भी आम जनता के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से सुनाएंगे।
तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब इस तरह के हालात देखकर पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की जनता पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और लगातार भारत में शामिल होने की बात करते नजर आ रहे हैं। पीओके में सबसे बेसिक चीज पेट भरने के लिए आटे की किल्लत ने जनता की परेशानी और भी बढ़ा दी है और मानो पाकिस्तान की सरकार को कोई फर्क तक नहीं है, वह आराम से बिस्तर पर सो रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों को जुटाने के लिए आम जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया भर के पाकिस्तानी थिंकर और जानकार कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार और साथ ही पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए कि वो भी भारत के साथ बिना कोई शर्त के बातचीत करे। इसके साथ ही साथ पीओके के जानकार पीओके के लोगों के लिए उनके साथ हमदर्दी जताते हुए उनके हित में समर्थन करते हैं। इसी खबर को लेकर ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के कार्यकर्ता डॉक्टर अहमद मिर्जा पाक की अधिकृत तस्वीर को पाकिस्तान से आजाद करवाने की मुहिम पिछले कई सालों से चल रहे हैं। डॉक्टर अहमद मिर्जा लगातार पाकिस्तान पर हमलावर होते नजर आते हैं। उनका कहना है कि समय आ गया है कि अब भारत जैसे देश को आगे लाना चाहिए और सहायता करनी चाहिए और साथ ही पाकिस्तानी सेना के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की तैयारी करनी चाहिए। मिर्जा आगे अपने बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान के अधिकृत तस्वीर में अधमरी भुखमरी के हालात हैं और भूखे से पाक की जनता लगातार दम तोड़ रही है। पाकिस्तान में हर दिन हालात बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई की मार गरीब जनता की जान ले रही है, खास करके पाकिस्तान और बाल्टिस्तान के लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसे में यहाँ के इंसानी जीवन जीने के लायक नहीं है। इसलिए पाक की जनता को चाहिए कि वो भारत में मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि पीओके को जानने वाला क्या कुछ बोल रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के एक प्रोफेसर मुख्तर ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने भारत के साथ ईमानदारी से बातचीत कर यू टर्न लिया है। उनका कहना है कि एक भारतीय मुस्लिम होने के नाम पर उन्हें भी अल्पसंख्यक भारत के होने वाले बर्ताव को लेकर फिक्र है। पाकिस्तान की हालत जल्द सुधरने की उम्मीद कम ही है। प्रोफेसर मुख्तर खान मानते हैं कि इमरान खान को सत्ते से यहाँ की राजनीतिक संकट गहरा हो गया है। अफगानिस्तान बॉर्डर भी अब उसके परेशानी का सबक बना हुआ है तो तहरीके तालिबान ने भी उसके खिलाफ जंग छेड़ी है। आर्थिक राजनीति और बाढ़ जैसी स्थितियों ने इस मुल्क को दिवालिया होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। IMF के कर्जदार इस मुल्क में विदेशी भंडार की कमी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। प्रोफेसर मुख्तर खान के मुताबिक 2023 पाक के लिए और 2023 पाक के लिए और भी खराब हो सकता है। पाकिस्तान की अंदरूनी परेशानियां ही इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफी है। प्रोफेसर मुख्तर खान कहते हैं कि हर मुद्दे पर कमजोर पड़ चुके हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कोई भी उस मुल्क पर हावी हो सकता है। दोस्तों आपको इस खबर को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर।